नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कोरोना जब आया तो उसके साथ साथ मानसिक तनाव भी आया, डर भी आया, वैक्सीन आई तो भी डर आया, भांति भांति की अफवाहें या अन्य अन्य चीज़ें जो हैं बातें बताई गई कि ये इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ रही है, तो बच्चों की वैक्सीन आने से पहले बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, किसी तरीके की जो है दिमाग पर तनाव ना रहे, एक कॉमिक निकाली गई है। डॉक्टर रविंद्र और डॉक्टर सुमन मोर मेरे साथ हैं, उन्होंने इस कॉमिक को निकाला है, ये उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ है इस कॉमिक में और क्या कुछ ध्यान में रख के आपने ये कॉमिक बनाई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो कॉमिक है किड्स वायु एंड कोरोना, ये पार्ट 6 है। इसमें बच्चों की जो वैक्सीन आने वाली है उसके बारे में मुख्य रूप से बताया गया है। अब जैसे हम बच्चों की वैक्सीन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है, जिसे हम मिशन इंद्रधनुष कहते हैं, उसमें 2 साल तक के बच्चों को एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू, चाहे वो खसरा हो, डिप्थीरिया हो, पोलियो हो, टिटनेस हो, इन सब के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और इससे मिलियंस ऑफ लाइफ जो हैं वो बचती हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ये इम्यूनाइजेशन के बारे में गाइड करता है पेरेंट्स और चिल्ड्रंस को, बच्चों को। और उसी तरह से इसमें आता है कि बच्चों की वैक्सीन आ रही है तो उनके अंदर एक घबराहट है, तो उस इश्यू को ये एड्रेस करता है कि हमारी वैक्सीन इतनी लेट क्यों। बच्चे इसमें अपने आप सवाल करते हैं जब वो अखबार में देखते हैं, कि आप देखेंगे यहाँ पे ये सवाल उन्होंने किया, क्या बच्चों की और बड़ों की वैक्सीन अलग होगी या तीसरी लहर में हम प्रभावित होंगे। तो हमें पता है कि ये जो तीसरी लहर है, ये अवधारणा है, ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा। तो इन सब चीज़ों को, कि ये वेरिएंट क्या होते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि बड़े ही सरल और चित्रण तरीके से म्यूटेशन क्या होता है वो आप इसमें देख पाएंगे। तो हम साइंस बेस्ड अप्रोच के साथ उन लोगों को समझाना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और आप हमारे हीरो बन सकते हैं थ्रू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के द्वारा। डॉक्टर सुमन भी मेरे साथ हैं। मैम, महिलाएं जो हैं बच्चों के ज़्यादा करीब होती हैं। जब ये मैगजीन कॉमिक बनी होगी, आपने अपनी तरफ से इनपुट दिए, किस तरीके से आपको लगता है कि ये बच्चों के लिए हेल्पफुल हो पाएगी? देखिए, बच्चों के अंदर कंसर्न है कि जो सुन रहे हैं कि बड़ों को वैक्सीन लग रही है, क्या हमारे भी लगेगी, लगेगी तो कैसे लगेगी, हमें दर्द होगा कि नहीं होगा, इसका हमारी सेहत पे क्या इफ़ेक्ट होगा, कई तरह के जहन में क्वेश्चन हैं बच्चों के, और वो सारे क्वेश्चन हमने इस कॉमिक के माध्यम से सारे एड्रेस किए हैं। और आप देखेंगे इसके पूरी पिछले पेज पे पूरे उनके जो भी हमारे को लगता है बच्चों के सवाल हैं, वो सारे सवालों को हमने एड्रेस किया है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी भ्रांति ना हो और उनको एक सही अपना इंफॉर्मेशन मिले। क्या आपने जब ये बनाई है, डिज़ाइन करवाई है, बच्चों से भी राय मशवरा किया है, उनको किस तरीके की चीज़? ये इसमें बच्चों की अहम भूमिका रही है, क्योंकि अब तक हमारी जो भी सीरीज़ आई हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं, टेक्निकल इनपुट हम दे रहे हैं, लेकिन बच्चे उस इन्फॉर्मेशन को कैसे लेंगे। तो हमारे साथ अलक्ष्य खेवाल हैं, जो क्लास प्लस वन में अभी आए हैं, और आदित्य खेवाल हैं, जो अभी क्लास 5th में आए हैं। उन्होंने अपना दोनों एज ग्रुप के हिसाब से अपने इनपुट देने की कोशिश की और उनके सवाल क्या थे, उनके तरह ही हमने जाना कि बच्चों के इन एज ग्रुप के हिसाब से क्या सवाल हो सकते हैं, तो उन सवालों को फिर हमने एड्रेस किया। डॉक्टर रविंद्र, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो ये कितनी भाषाओं में आप लेकर आ रहे हैं, कि किस किस मोड में होगी और आम बच्चों तक ये इसकी पहुँच कैसे हो पाएगी, क्या मुफ्त है या पैसों से? देखिए, ये फ्रीली अवेलेबल है, हाँ, लेकिन अगर किसी को लार्ज प्रोडक्शन करना है तो वो हमारे से एक परमिशन लेता है। जैसे हम हरियाणा सरकार से भी गुजारिश की है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हमारे को गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने भी रिक्वेस्ट की, जो हमारे प्रीवियस वर्जन है। तो ये डाउनलोडेबल है, हमारा एक लिंक है, आप क्लिक कीजिए। अभी कुछ दिनों में PGI की वेबसाइट और पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे और आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका कोई मूल्य नहीं है डिजिटल कॉपी का, लेकिन प्रिंट में हम अभी नहीं प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी सरकार चाहेगी तो वो इसको ले सकती है। आगे क्या योजना है, ऐसा ही कुछ, क्योंकि अभी वैक्सीन आ जाएगा बच्चों का, तो बच्चों को वैक्सीन लगेगी, क्या और योजना है आगे ऐसा कुछ? अभी इसके ऊपर वीडियो सीरीज़ बन रही है, तो उसकी हमने तैयारी शुरू कर दी है, और हमारी अब सारी कॉमिक जो हैं वो धीरे धीरे करके एक जो वीडियो सीरीज एनिमेशन के थ्रू सामने आएंगे। तो कॉमिक जो है वो आ गई है, ताकि बच्चों में किसी तरीके का डर ना रहे। बच्चों में अक्सर हमारे घर में, आपके घर में ये सवाल पूछा जाता है, आपको वैक्सीन लगेगी, हमें कब लगेगी, क्या हमें भी कोरोना होगा, क्या हमें कोरोना से डरने की ज़रूरत है, तमाम चीज़ों का इस कॉमिक में जो है वो एक वाद संवाद के माध्यम से जो है विवरण दिया गया है।
तो ये कॉमिक जो है वो ज़रूर बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगी। मैं हूँ देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।